यहीं से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी बहती हैं। वीडियो में जो जगह आप देख रहे हैं यह वही स्थान है। मंदिर के निर्माण में समाज सेवी सत्य प्रकाश अग्रवाल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था उससे कई साल पहले रात को मंदिर के कपाट बंद हो जाने पर यहाँ सुबह के वक्त जब कपाट खुलते थे तो यहाँ स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वह जल सीधा गंगा जी में समाहित हो जाता है। तो दोस्तों आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ कायमगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कायमगंज में शिव जी का एक मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, जिसे कुंडावाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहले यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा छोटा मंदिर था, जिसे अब बहुत ही प्यारा और बड़ा बनाया जा रहा है। इस मंदिर को देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया, क्योंकि यह मंदिर बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। सोमवार को यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ भी रहती है। इस मंदिर के बिल्कुल बगल में ही एक कुंड भी स्थित है। इस कुंड के कारण ही मंदिर को कुंडावाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के चारों ओर बैठने के लिए सीमेंट की बेंचें भी बनाई गई हैं। यहाँ चारों तरफ काफ़ी हरियाली भी है, जिसकी वजह से यह मंदिर और भी सुंदर लगने लगता है। श्रद्धालुओं के कुंड में नहाने के लिए नीचे जाने के लिए सीमेंट की सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, जिसे आप देख भी सकते हैं। बरसात के दिनों में इस कुंड में पानी भर जाता है, जिससे इस मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहीं से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी बहती हैं। जब गंगा जी में बाढ़ आती है तब यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। कुछ दिनों पहले बाढ़ आने की वजह से यह कुंड पूरा भर गया था, और जब मैंने यह वीडियो शूट किया तब यह कुंड सूख गया था। पर इससे कुछ दिन पहले इस कुंड में इतना पानी था, जिसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं, जिससे यह मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाहर के नज़ारों को देखकर चलिए अब ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैं पहुंचा शिवलिंग के पास। शिवलिंग पर बहुत ही सारे बेलपत्र, धतूरे के फल और पुष्प चढ़े हुए थे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और वहाँ सभी श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक भी कर रहे थे। फिर क्या, मैंने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जलाभिषेक किया। शिव जी का जलाभिषेक करके मैं पहुँचा और भी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, श्री कृष्ण और राधा और महावीर हनुमान जी थे, और इनके अलावा और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ थीं। जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था उससे कई साल पहले रात को मंदिर के कपाट बंद हो जाने पर यहाँ सुबह के वक्त जब कपाट खुलते थे तो शिवलिंग पर पहले से ही फूल चढ़े हुए मिलते थे, जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। और इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव जी की स्थापना कौरव और पांडवों के समय अश्वत्थामा ने किया था। यहाँ स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वह जल सीधा गंगा जी में समाहित हो जाता है। इस मंदिर का भव्य निर्माण राजस्थान से आए कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। मंदिर के निर्माण में समाज सेवी सत्य प्रकाश अग्रवाल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। मंदिर के जस्ट पीछे बगल में एक मैदान भी है, जिसमें यहाँ भंडारा वगैरह आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। वीडियो में जो जगह आप देख रहे हैं यह वही स्थान है। सभी देवी देवताओं के दर्शन करके और उन्हें नमन करके मैंने प्रसाद लिया और मैं निकल लिया हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर, जो कि कायमगंज का बहुत ही फेमस मंदिर है, जिसे मैं दिखाऊँगा आप सभी को अगले पार्ट। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।